दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में ऑड इवन स्कीम बढ़ानी है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला सोमवार को लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी कल और परसों हवा की क्वालिटी की जांच करेंगे, जिसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि ऑड इवन को 4 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए दिल्ली में लागू किया गया था। दिल्ली में फैले प्रदूषण पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में जो अधिकतर प्रदूषण आता है, वह बगल के राज्यों में जो पराली जलाई जा रही है उस वजह से प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में पराली जलाने की घटना में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पंजाब में अभी भी यह संख्या ज्यादा है। केजरीवाल बोले कि दिल्ली में हमारी 300 से अधिक टीम एक्टिव हैं, जो खुले में कूड़ा जलाने वालों पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी कूड़ा जला रहा है उस पर कार्यवाही की जाएगी और प्रदूषण को लेकर हम काफी चिंतित हैं। ऑड इवन के मसले पर दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ एजेंसियों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में मौसम सुधरेगा, इसलिए हम दो दिन इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ऑड इवन एक का अपना वो ऑड इवन लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को टैकल करता है। आज सब लोग हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग अपने मीडिया में लिख भी रहे हैं, आप लोग टीवी चैनल पे दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से आज जो पोल्यूशन की हालत है वो बगल वाले राज्यों से जो पराली आ रही है उसके धुएं की वजह से है, दिल्ली के लोगों के पोल्यूशन की वजह से नहीं है। ऑड इवन दिल्ली के लोकल सोर्स को कम करता है। दिल्ली में लगभग 30 लाख गाड़ियां डेली सड़क पे उतरती हैं, उसमें अगर ऑड इवन जब हम लागू करते हैं तो आधी गाड़ियां जाहिर है कि वो हट जाती हैं, तो 15 लाख गाड़ियां जब कम उतरेंगी सड़क पे, पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा। लेकिन मेन सोर्स जो है, मेन बीमारी जो है अभी हवा की, वो बगल वाले राज्यों में से जो पराली जल रही है उसकी वजह से है। नासा की जो सैटेलाइट पिक्चर्स भी हैं वो भी यही दिखाती हैं। मैं ये सारी पिक्चर्स देख रहा था, अगर आप लोगों को हम वो पिक्चर्स भेज देंगे। 7-8 अक्टूबर तक आप नासा की सैटेलाइट इमेज ले लीजिए और दिल्ली की एयर क्वालिटी ले लीजिए। दिल्ली की एयर क्वालिटी 9 अक्टूबर तक सेटिस्फैक्ट्री जोन में थी, अचानक 10 अक्टूबर से दिल्ली की क्वालिटी पुअर, वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में आने चालू हो गई। 9 अक्टूबर तक हम लोग सेटिस्फैक्ट्री थे, हम लोग डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 70 था, 80 था, 90 था, 120 था, 130 था, लेकिन अचानक 10 अक्टूबर से हम लोग 200 के ऊपर क्रॉस कर गए, 200, 300, 400, 500, 600 पहुँच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है। और नासा की इमेजेस दिखाती हैं 10 अक्टूबर से ही वो पराली के जो रेड स्पॉट्स हैं इमेज के ऊपर वो आने चालू हो गए। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर पड़ोसी राज्य उस पर बंद नहीं कर रहे पराली, तो दिल्ली के लोग आखिर क्यों सफर करें और कब तक सफर करें? 300 टीम्स लगी हुई हैं जो मॉनिटर कर रही हैं अगर कहीं भी कूड़ा जलता है तो। मेरे को बताया गया है हमारे अथॉरिटी, हमारे ऑफिसर्स के द्वारा, कि इस पे बहुत सख्ती के साथ काफ़ी फाइन किया गया, करोड़ों रुपए का फाइन किया गया है जिन लोगों को भी पकड़ा गया है। तो लोकल आप सैटेलाइट उठा के देख लो ना, सबसे बड़ा तो नासा की, अगर कूड़ा इतने बड़े स्केल पे जल रहा है तो दिल्ली के ऊपर भी तो लाल 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 खूब सारे निशान होंगे ना। लेकिन भाई उससे ये अपने जिम्मेदारी से मैं मुक्त नहीं हो रहा। दिल्ली में जितने भी ऐसे कूड़े जलने के हैं, जो भी है उस पे हम कंट्रोल करेंगे और सख्ती के साथ हम लोग कंट्रोल करेंगे। इसी बीच दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम एक महीने में सभी कॉलोनियों की रजिस्ट्री करवा देंगे अगर केंद्र सरकार तैयार हो। इस दौरान उन्होंने इन कॉलोनियों को लेकर बड़ा ऐलान किया और कहा कि यहाँ सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए दिल्ली सरकार एक स्कीम चलाएगी, जिसके तहत घरों में इन टैंकों की मुफ्त सफाई की जाएगी। के हिसाब से वो बताएंगे कि इतने बजे कल परसों तरसों आके हमारे सेप्टिक टैंक की सफाई कर दीजिए। दिल्ली जल बोर्ड का ट्रक जाएगा और वो वहाँ की उनकी सफाई करके उस मलबे को वो हमारे किसी भी एसटीपी प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके दे देगा और फिर वहाँ पे इस एसटीपी के अंदर उसकी सफाई हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों को एक ऑथराइज्ड और लीगल तरीके से सुविधा मिलेगी, उनको इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की सफाई की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, यमुना की सफाई की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक ये जितने सेप्टिक टैंक का मलबा निकलता है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं से होते हुए यमुना के अंदर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के सेप्टिक टैंक में उतर के मौत होती है
उन लोगों की मौत होनी बंद हो जाएगी। हम बिल्कुल तैयार हैं, मुझे हमारे पास ऐसी उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं आई है, और हम भी ये चाहते हैं कि जनता ये चाहती है कि रजिस्ट्री हो, बाकी सारी बातें बेमानी हैं। हर चुनाव के पहले इसी की बात होती है, हर बार चुनाव के पहले पार्टियां कहती हैं हम पक्का करेंगे, जब तक हाथ में रजिस्ट्री ना आ जाए तब तक आदमी कैसे संतुष्टि करेगा। हम तैयार हैं, हम पूरी दिल्ली की 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा देंगे, अगर वहां से वो लोग अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे।